लापता 24 करोल बाग आ जाइयो। रजीव पुत्र, एक सलाह करनी थी तेरे से। समझ में नहीं आ रहा राजेंद्र भाई साहब से ये बात कैसे करूं। आज शाम हमें म्यूनिसपैलिटी के ऑफिस से एक लिस्ट मिली है। अंदर से निकलवाइए खुफिया। सरकार फिर से कुछ दुकानों पर सीलिंग लगाने की सोच रही है। लिस्ट दिखाना। अगले महीने करोल बाग की दुकानें सील हो जाएंगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो दुकान इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन सेठी साहब की तो है। तुझे तो पता है सेठी जी तो कोर्ट कचहरी का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन उस चक्कर में बाकी की दुकानें अटक जाएंगी। तू तो समझदार है पुत्र, हम तो चाहते थे ले दे के मामला नफा नफा कर दिया जाए। लेकिन सेठी जी को समझाएगा कौन? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें सेठी जी को एसोसिएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आप मेरे ससुर जी को करोल बाग से बाहर निकाल दोगे? तू तो समझदार है पुत्र, तू ही सोच और हमारे पास क्या रास्ता रहेगा। सिमी जी, आप मुझसे शादी करेंगी ना? नहीं। तो फिर सुनिए सिमी जी, आज एक खन्ने की वजह से आपके पापा जी को गुस्सा आया ना, कल मैं इतनी बकवास फैला दूंगा कि हर आदमी आपके पापा जी पे थू थू करेगा। अनीता प्रेग्नेंट है, इसीलिए घर से भाग कर आ गई है, और शादी भी जल्दबाजी में। और सुनिए ना सुनो जी, ये ना दिल्ली नगर निगम की लिस्ट है उन दुकानों की जो सील होनी है। इसमें ना आपके पापा जी की भी दुकान का नाम है। मैं आपसे शादी करूंगी या नहीं, इस सवाल का फाइनल जवाब मैं आपको कल सुबह दूंगी, कल सुबह 10 बजे करोल बाग पुलिस चौकी के बाहर। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, बस वो थोड़ा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? तुम उल्टी कर रही थी ना अभी, इसलिए पूछ रही हूँ। देखो अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज बता दो। मिली, तू सीरियस है? ऐसी बातों में मजाक नहीं करती हूँ मैं अनीता। आई डोंट बिलीव दिस। तू हमेशा अपनी उम्र से बड़े बनने की कोशिश क्यों करती रहती है? प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे तेरे घर का ऑयली फूड डाइजेस्ट नहीं। ओ, तो साउथ दिल्ली की रिच बंदी को हमारे घर में डाइट फूड चाहिए? जस्ट शट अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस मिली। वैसे मिस तरनेजा, हमने तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया था। हाँ तो मैं भी तेरे घर नहीं आई। ये लो, अपने ही घर वाले झिंगोरा पीट रहे हैं तो बाहर वालों को क्या कहें। क्या बोल रही थी तुमसे? कुछ नहीं, उल्टी हो रही थी ने। मुझे लगा प्रेग्नेंट है तो मैंने पूछ लिया। मैडम का सिर्फ पेट खराब था। देख मिली, हो सके तो बेटा अपने पापा जी की तकलीफ और ना बढ़ा।